हाँ दोस्तों, आज देखिए जो हम लोग रेलवे का सीरीज चलाए थे उसमें सो सॉरी मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और रेलवे की थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख जाएगा। आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला कि विशेष प्रतिरोध रो ज्ञात करने के लिए वह सूत्र जहाँ लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और प्रतिरोध आर है, तो इसका ऑप्शन हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा जो भी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए पहले पहले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन हमारा रो बराबर एल एल आर ए रेजिस्टेंस एरिया। ऑप्शन नंबर बी रो बराबर रेजिस्टेंस इंटू एरिया बटा लेंथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा रो बराबर आर एरिया इंटू लंबाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा रो बराबर एरिया इंटू लंबाई बटा के आर। तो बताइएगा कि रो बराबर सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो भी जानते होंगे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर बी होगा। रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए बटा में एल। अब इसका ओरिजिनल जो सूत्र होता है, वास्तविक जो सूत्र होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ कि कैसे आया। देखिए यहीं पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है क्या, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, रो इधर आ जाएगा और आर ए गुना हो जाएगा ये मल्टीपल में जाके, तो फार्मूला हमारा बना आर इंटू ए बाई एल। अब यहाँ पर ये है प्रतिरोधकता, आर रेजिस्टेंस होता है, ए एरिया होता है, एल क्या होता है लंबाई होता है। तो ये होती है प्रतिरोधकता निकालने की फार्मूला। और इसको थोड़ा सा याद ही रख लीजिएगा क्योंकि यह पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या है, क्वेश्चन नंबर दो है कि एक डॉली गठन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी है। ये क्या है, एक डॉली गठन एम्पलीफायर है जिसमें पूछा गया है कि डॉली गठन एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या बतानी है कि कितना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी दो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी थ्री तीन ट्रांजिस्टर और ऑप्शन नंबर चार चार ट्रांजिस्टर। देखिए ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन और ऑप्शन नंबर डी चार। बताइएगा कितने ट्रांजिस्टर यूज होते हैं डॉली गटन एम्पलीफायर में। ठीक है, जो भी जानते होंगे बताएंगे। ऐसा इसका राइट आंसर बी होगा, दो ही होते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको फिगर से समझते हैं क्या क्या होता है डॉली गटन एम्पलीफायर। डॉली गेटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर सर्किट क्या होता है, इसको थोड़ा चित्र से समझते हैं। देखिए क्या होता है, यहां पर हम बजा रहे हैं एक ट्रांजिस्टर बीजेटी, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया और ये बेस हो गया। ये तीन सिरे होते हैं और जो ध्यान रखिएगा बीजेटी में यहाँ पर इमिटर वाला सिरा पर एरो दिया होता है, तीर का निशान दिया हुआ रहेगा। तो ये हो गया एक बीजेटी। देखिए डॉली गेटन एम्पलीफायर सर्किट में बनाने के लिए दो बीजेटी ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ता है, दो बीजेटी ट्रांजिस्टर का। देखिए एक बना दिया हम, यहाँ पर एक नंबर दे दे रहे हैं और दूसरा बना रहे हैं हम, यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर देख लिए दूसरा हम बीजेटी बना रहे हैं। ये हमारा बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर। ठीक है, ये तीन सिरा हो गई और इमीटर वाला जो सिरा रहेगा इस पर एरो दिया हुआ है, तीर का निशान दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हम तीर थोड़ा सा अच्छे से दर्शा देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। देखिए ये जो होता है डॉली गटन एम्पलीफायर सर्किट, डॉली गटन जो एम्पलीफायर सर्किट होता है इसमें दो बीजेटी की जरूरत पड़ती है,
दोनों BJT हम बना दिए हैं, ये एक नंबर ये दो नंबर। आप कनेक्शन कैसा होता है, कनेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। पहला BJT का इमीटर दूसरा BJT के बेस से जुड़ेगा। तो देखिए ये जो है इमीटर किससे जुड़ेगा, बेस से जुड़ेगा। हम बेस से जोड़ दिए, पहला इमीटर जो है किससे जुड़ेगा, बेस से जुड़ेगा। पहला BJT का इमीटर बेस से जुड़ेगा, ठीक है। और देखिए और क्या होता है कि, और ये दो कलेक्टर है दोनों का कलेक्टर सिरा वो आपस में कॉमन रहता है, तो इसको कॉमन कर देते हैं। ये आपस में क्या रहता है, कॉमन रहता है। यहाँ से चले जाके हम कॉमन कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेट निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होता है कलेक्टर दोनों का कॉमन, और इमीटर जो रहता है पहले वाले के इमीटर दूसरे वाले का बेस से जुड़ता है। तो ये जो हमारा सर्किट बनता है ये कौन सा बनता है, तो ये बनता है डॉली गटन एम्पलीफायर सर्किट। इसमें देखिए दो तीन बात याद रखिए, दो तीन बात। पहले इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी पड़ती है, दो। और कौन से ट्रांजिस्टर, तो BJT ट्रांजिस्टर। और कनेक्शन देख लीजिए, पहले वाले का इमीटर दूसरे वाले का बेस है, और कलेक्टर दोनों का कॉमन रहेगा। आइए थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं। देखिए हम चित्र मिटा रहे हैं, आगे देखिए। इसमें देख लीजिए स्टार मार्क लिखिएगा, इसी में डॉली गटन एम्पलीफायर सर्किट में स्टार मार्क लिख लीजिएगा। इसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा होता है, इसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें क्या होता है, उच्च इनपुट प्रतिबाधा होता है। तो देखिए इसका पूछेगा, उच्च इनपुट करने का मतलब हाई इनपुट इम्पीडेंस, प्रतिबाधा करने का मतलब क्या है, इम्पीडेंस है। और दूसरा नोट करके लिखिएगा कि इसमें निम्न करने का मतलब लो आउटपुट प्रतिबाधा होता है। अगर इनपुट उच्च हो गया तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा, तो लो प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते हैं, इसलिए हम जेड यहाँ पर लिख दे रहे हैं, होता है। ये सब लिखवा रहे हैं, जितना भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। और देखिए इसका उच्च धारा लब्धि होता है। उच्च धारा लब्धि कहने का मतलब कि हाई गेन होता है। गेन का मान कितना होता है, उच्च धारा गेन। देखिए हाई करंट गेन होता है, ठीक है। डॉली गटन एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टरों की संख्या दो, दोनों BJT के कनेक्शन आपको दिखा दिए। इसमें तीन बात महत्वपूर्ण है जो लिख लीजिएगा, इसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा होता है, निम्न आउटपुट प्रतिबाधा होता है, और इसमें जो होता है उच्च धारा गेन होता है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि डॉली गटन सर्किट में धारा गेन कैसा होता है, तो उच्च होता है, ये भी बात नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि परम ताप और अनुचुंबकीय क्यूरी ताप के अंतर 0.04 है, तो चुंबकीय पदार्थ की संवेदनशीलता ज्ञात कीजिए। यदि क्यूरी स्थिरांक का मान 12 है, क्यूरी स्थिरांक के मान कितना है, तो 12 है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसका मतलब एक फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप फंस जाइएगा। देखिए फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, एक्स एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी टेम्परेचर माइनस क्यू टेम्परेचर। देखिए ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर सब लिख दे रहा है कि एक्स एम क्या है, चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता। तो एक्स एम क्या है, चुंबकीय संवेदनशीलता, और सी क्या है, तो सी है क्यूरी स्थिरांक,
क्यूरी स्थिरांक। टी क्या है? तो टी है हमारा परम ताप, परम ताप। परम ताप कहने का मतलब है टेम्परेचर, ताप ही है। और टी सी क्या है? तो टी सी है क्यूरी ताप, अनुचुंबकीय क्यूरी ताप, अनुचुंबकीय क्यूरी ताप। देख लीजिए यह फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया क्या निकालने के लिए, तो चुंबकीय संवेदनशीलता निकालने की फॉर्मूला होता है। एक्सएम बराबर क्या होता है? सी बटा टी माइनस टी सी। तो टी कहने का मतलब है, देखिए एक्सएम कहने का मतलब है चुंबकीय संवेदनशीलता, सी कहने का मतलब है क्यूरी स्थिरांक, और टी कहने का मतलब है कि ताप है, परम टेम्परेचर ताप, और टी सी कहने का मतलब है कि अनुचुंबकीय क्यूरी ताप। यह है क्यूरी ताप, यह टेम्परेचर, और यह क्या है? क्यूरी स्थिरांक है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को रख देना है। आइए वैल्यू को रख के देखते हैं। इसको हटाना पड़ रहा है हमको, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, हटा दे रहे हैं, थोड़ा हटा दे रहे हैं इसको। देखिए देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा क्यूरी स्थिरांक कितना दिया है, तो 12 दिया है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कितना दिया है, 12। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर में क्यूरी टेम्परेचर में और परम टेम्परेचर में अंतर दिया है 0.04, इतना दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाकर दो 00 लगाएगा, तो 00 और बटा में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से काटिएगा तो 3, माने इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 300। तो ये क्या हो गया, 300। थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, तो 300 क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय संवेदनशीलता। आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, चुंबकीय संवेदनशीलता कैसे निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। वोल्टेज लाभ 100 का एक प्रवर्धन परिपथ 10 वोल्ट आउटपुट देता है, इनपुट वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि वोल्टेज लाभ 100 का एक प्रवर्धन परिपथ 10 वोल्ट का आउटपुट देता है, तो इनपुट वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इनपुट वोल्टेज निकालना है, हमको गेन दिया है, आउटपुट वोल्टेज दिया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फंस जाइएगा। आइए गेन का देखते हैं, गेन वोल्टेज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, गेन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, आउटपुट वोल्टेज भी दिया है, इनपुट पूछा गया, तो इनपुट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी आउटपुट कहने का मतलब है कि वोल्टेज आउटपुट और वोल्टेज गेन। तो देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है वह हमारा दिया हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10, और गेन वोल्टेज कितना दिया है, 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 खत्म, और आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे कितना आएगा, 0.1 आएगा, 0.5 नहीं आएगा, गलती बोला गया हमसे, 0.1 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, यह 0.1 आएगा। तो 0.1 क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो गया, 0.1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को बताते हैं, जो न्यूमेरिकल बताइएगा कमेंट करके समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 230 वोल्ट के 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्टर वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाता है और 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो मोटर पर क्या असर पड़ेगा।
क्वेश्चन क्या है कि एक 230 वोल्ट थ्री फेज मोटर है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है और इसको 415 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो पूछ रहा है कि मोटर पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, लिख दे रहा है आपको, अब बताइएगा कमेंट करके। मोटर मोटर सामान्य चलेगा, मतलब मोटर जो है सामान्य चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, मोटर स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा, मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगा, मोटर झटके झटके के साथ स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा। क्वेश्चन तो आप लोगों के स्क्रीन पर देखी जाएगा, अब आंसर बताइएगा। आंसर हम सब लिख दिया, ऑप्शन सब लिख दिए हैं। मोटर सामान्य चलेगा, मतलब समान अवस्था से चलता रहेगा। ऑप्शन बी है हमारा, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ऐसे राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। अगर स्टार कनेक्टेड है, अगर डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्ट करके और 415 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, हमारा मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सॉरी थोड़ा सा वायर आ गया था माइक वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एचआरसी फ्यूज सर्किट ब्रेकर को रिले की तुलना में सर्वश्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है, जहां तक की बात है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा है कि एचआरसी फ्यूज सर्किट ब्रेकर के और रिले की तुलना किया जाता है। एक एचआरसी है फ्यूज है, और एक एचआरसी फ्यूज का पहले नाम याद रखिएगा, नाम पूछ लेता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। क्या नाम होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो एचआरसी फ्यूज है और रिले है, दोनों का तुलना की जा रही है। तो तुलना करने पर बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। ऑप्शन आपको लिख दे रहा है, क्वेश्चन तो आप लोगों को स्क्रीन पर देखी जाएगा, आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा, विद्युतीय प्रबलता की बात है, विद्युतीय प्रतिबल प्रतिबल बात है, चुंबकीय चुंबकीय चुंबकीय, सेम रिपीट कर दे रहा है, चुंबकीय प्रतिबलों की बात है। आगे क्वेश्चन, तापीय तापीय प्रतिबलों की बात है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यांत्रिक 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 प्रतिबलों की बात है। सर तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, थोड़ा सा उधर से आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा उधर काम हो रहा है। आगे ऑप्शन को देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, विद्युतीय प्रतिबलता की बात है, चुंबकीय प्रतिबलता की बात है, तापीय प्रतिबलता की बात है, यांत्रिक प्रतिबलता की बात है। तो आप लोग क्वेश्चन तो स्क्रीन पर देख ही रहा होगा, ऑप्शन हम लिख ही दिया है, तो आप लोग जो भी जानते होंगे इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, कि राइट आंसर इसका क्या है।
ठीक है, इसका राइट आंसर ऐसे क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रतिबलता की बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये जो आया टॉपिक मतलब एचआर से फ्यूज और रिले वाला, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, एचआर से फ्यूज का एक तो नाम याद रखेगा हाई रपचरिंग कैपेसिटी, और दूसरा क्या इसका फैक्टर बोलते हैं उसको, हाई रेपचरिंग फैक्टर, तो हाई रेपचरिंग फैक्टर का मान कितना होता है, तो 1.11 होता है, 1.11 अभी दिमाग से आ गया तो बता दिया आपको, 1.11 होता है। ऐसे रिले उले जो है एक दिन अच्छे से कराएंगे हम, रिले उले भी कराएंगे, अभी थोड़ा आप लोग भी बोल रहे थे कि सर थ्योरी के थ्योरी भी कराते हैं, एग्जेक्टिव भी कराते हैं साथ में, थ्योरी अभी हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आईटीआई में थ्योरी पढ़े होंगे, तो कराएंगे थ्योरी भी कराएंगे, थोड़ा सा एग्जेक्टिव कर लेते हैं उसके बाद कराएंगे हम। आगे अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पर दिखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सप्लाई सिस्टम को भारों को समानांतर क्रम में जोड़ने का उद्देश्य होता है, जो सप्लाई सिस्टम होता है उसके भार को समानांतर क्रम में किस लिए जोड़ा जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है, समान धारा प्रवाहित करने के लिए, समान धारा प्रवाहित करने के लिए समान धारा प्रवाहित करने के लिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा समान वोल्टेज प्रवाहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा ओवरलोड से बचाव, आप लोगों को दिख रहा होगा ये बचाव किस लिए, एक मिनट थोड़ा सा सुधार दे रहे हैं, ओवरलोड से बचाव, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि जो सप्लाई सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम में भारों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, जो भी हमारा भार होता है उसको समानांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, तो ऑप्शन है हमारा धारा समान प्रवाहित करने के लिए, वोल्टेज समान प्रवाहित करने के लिए, ओवरलोड से बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा, ये सेम रिपीट है इसलिए हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, समान वोल्टेज प्रवाहित करने के लिए, आप लोगों को पता होगा कि समानांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है और धारा अलग अलग हो जाती है, और सीरीज में क्या होता है कि करंट समान रहती है और वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, ठीक है। सीरीज में क्या, धारा समान वोल्टेज अलग अलग, और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज समान और धारा अलग अलग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर,